नागौर क्षेत्र की संघर्षशील जनप्रिय महिला कांग्रेस नेत्री संध्या कुशवाहा ने आम लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपील की है। साथ ही पुलिस प्रशासन का भी आभार जताया है। साथ ही में संध्या कुशवाहा ने यह भी कहा है कि जो बेवजह घूम रहे हैं वे ना घूमे, केवल आपातकालीन स्थिति में ही घर से निकले और घर में रहे, सुरक्षित रहे। आप सभी जिलेवासियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं संध्या कुशवाहा आज आप सबसे एक अपील करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे एक वर्ष से कोरोना महामारी से पूरा देश ग्रसित और प्रताड़ित है। इस महामारी में देश के कितने परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है और आज भी ये परिस्थिति बनी हुई है कि मौत का ये मंजर अभी भी समाप्त नहीं हुआ। आप इस महामारी से डरिए मत और ना ही घबराइए, क्योंकि हर बीमारी का इलाज होता है और इस बीमारी का भी इलाज आप सबके ही पास है और वो है आपकी सुरक्षा। अगर आप इस महामारी से बचना चाहते हैं या इसे खत्म करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन करें, बिना वजह बिना कारण घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों से दूरी बनाकर रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप इस देश के महत्वपूर्ण और जिम्मेदार नागरिक हैं और इस देश को आपकी ज़रूरत है। इसलिए जब आप सुरक्षित होंगे तो देश सुरक्षित होगा। इस देश में स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं दे रहे सभी डॉक्टर्स और उनके स्टाफ और पुलिस प्रशासन का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने घर परिवार को छोड़कर दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उसी तरह एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य और फर्ज बनता है कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने अपने घरों पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और हम सब डॉक्टर्स और पुलिस प्रशासन को सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पन्ना से वीरेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।